अब आप अपने अपनी किताब का अपने अपनी किताब में से सवाल को सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से सारे सवाल आपको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला सवाल मेरा है, कह रहा है कि 4% वार्षिक दर से 7200 रुपए का ब्याज निकालना 8 महीने का। अभी अभी हमने इससे पहले हमने आपको बताया था 6 महीने का ब्याज निकालना, जैसे हम 6 महीने का ब्याज निकालेंगे उसी तरह से हम जो है 8% का 8 महीने का ब्याज निकालेंगे आराम से। देखिए वही लगाएंगे फॉर्मूला वही रहेगा, मूलधन दर गुणे बटे समय। यहाँ पर देखिए फिर एक बार हम लिख रहे हैं पी गुणे आर गुणे पी बटे 100। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखिए हमें 8 महीने का ब्याज निकालना है, यहाँ पे फ्री हो जाएगा 4 × 7200 बटे 8 महीने का निकालना है। अभी 8 महीने का है तो 12 हो गया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हमें 8/12 कट गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये कट गया। अब देखिए 4 × 8 और 4 × 12 ये कट गया मेरा। अब यहाँ देखिए 3 × 24 = 72 कट गया, 24 × 96 = 96। तो ये आपका आ जाएगा 192। कितने समय में 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है जो मेरा 1000 रुपए है ये मेरा ब्याज हो गया। ब्याज तो पूछ रहा है इसको, तो हमें इसमें जो समय निकालना है, समय का मतलब है टी बराबर। तो टी बराबर हो गया ब्याज गुणे 100। तो ब्याज मेरा है 1000 रुपए, 1000 × 100 बटे मूलधन समय हो गया 2 ईयर।